आपका शुभ नाम? मेरा नाम मंजू है। मंजू जी बताएं क्या समस्या है? सर समस्या ललित नागर जी से है, जो इन्होंने शर्मा जी पे इल्जाम लगाया ये श्री राम के ऊपर, क्या वो जायज है? कौन है ये श्री राम जी? ये मेरे हस्बैंड है। ओके। और पुलिस पुलिस परेशान नहीं होती, पुलिस की फैमिली ज्यादा परेशान होती है। ललित नागर जी का ये कह देना कि आपको उससे मिला हुआ है, पैसे लिए हैं, स्कूटी पे चलता है ये ऑफिसर, 26 साल की सर्विस हो गई। ललित नागर को पता है वो कैसे ड्यूटी देता है। ललित नागर आके देखे क्या कहता कि मुलजिम को पकड़ा नहीं कि आईसीयू में जाके पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती थी। नागर जी कहते हैं कि ये कहीं नहीं गए, फतेहपुर गए, आगरा गए, फतेहपुर सिकरी और भरतपुर गए, उसके फादर से पूछे, लड़की के फादर से। ललित नागर जी आप तो सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, बीजेपी 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 और कुछ नहीं। आपने कोई मदद नहीं की उस लड़की की, 5 बार फोन करके आपने कुछ नहीं किया। अगर आपकी मदद होती तो आप अपने मेंबर्स भेजते, अपनी गाड़ी देते, आप टाइम देते। आपने सिर्फ 2 मिनट का घटिया बयान देके ऑफिसर के खिलाफ, उसके बच्चों के खिलाफ, जानते हैं वो उसको परेशानी नहीं, उसके बच्चों को ज्यादा परेशानी होती है। हमारा भी कोई मान सम्मान है और मानव अधिकार कोई चीज है जहाँ हम भी जा सकते हैं, क्योंकि परेशान हम भी हो रहे हैं। आप एक लीडर होते हुए आपको शोभा नहीं देता कि आपने तुरंत नाम ले दिया। सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो आपने फैसला सुना दिया कि वो दोषी है, श्री राम दोषी है। कैसे दोषी है? पुलिस कैसे दोषी है? क्या आपको पता है पुलिस क्या काम करती है? ये घटिया है। ललित नागर जी आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी और पब्लिकली आप माफी मांगेंगे अपने घटिया बयान के लिए, क्योंकि ये आपका राजनीति पीछे नहीं है। ये एक फादर, एक बेटी गायब हुई है, फादर की, उसने अपनी बेटी को खोया है और वो बेटी उसी की नहीं, हम सबकी बेटी है वो। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ किया होता तो आप उसकी मदद करते फिजिकली। आपने तो सिर्फ मेंटली सपोर्ट पब्लिक को इकट्ठा करना था और अपनी वाहवाही लूटनी थी, अपनी रोटियां सेकनी थी, नारे से जोड़ दिया बेटी बचाओ। अरे हर कोई बेटी बचा रहा है, आपने बचा के आपने क्या बचाया बताइए, आपने क्या किया? सेम ऑन यू ललित नागर जी, हम बहुत शर्मिंदा है कि आप ऐसे लीडर है, लीडर।